नमस्कार, आप देख रहे हैं बागेश्वर बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ नैना। चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। बागेश्वर के गरुण बाजार में जाम की समस्या आए दिन देखने को मिल रही है। वहीं जानकारी के मुताबिक आज दोपहर बाजार में लगभग आधे घंटे का जाम लगा रहा। इस दौरान स्थानीय लोगों ने बताया कि सड़क पर गाड़ियों का दबाव अधिक होने पर और पार्किंग की कोई सुविधा न होने की वजह से राहगीरों को जाम का सामना करना पड़ रहा है। मैं भी एक व्यापार संघ का एक व्यापारी हूँ गरुड़ बाजार का। तो आए दिन यहाँ पर जो है जाम की स्थिति बहुत वो हो रही है, ख़राब। आए दिन हर 5 मिनट में जाम ही जाम लग जा रहा है, विशेषकर फरसवान कॉम्प्लेक्स से लेके लीसा डिपो तक बहुत ज़्यादा जगह। और सड़क में इतने गड्ढे हैं, गड्ढे भी इसका मुख्य कारण है कि गड्ढे जो भी ड्राइवर है वो अपने गाड़ी का बचाव तो करता ही है। बागेश्वर में मुख्य अतिथि शिल्पकार संघ की जिला प्रभारी ऋतु आर्या और मोहन सिंह रोतेला के निर्देशन में लखा बकरा क्रिकेट टूर्नामेंट का समापन चंतोला खेल मैदान में किया गया, जहां आखिरी मुकाबला चंतोला और देवलेत की टीम के बीच खेला गया, जिसमें 133 रन का पीछा करने उतरी देवलेत की टीम 44 रन पर ही ढेर हो गई। इस दौरान विजेता को ट्रॉफी के साथ लखा और उप विजेता टीम को बकरा भेंट किया गया। नमस्कार, मैं रीता आर्या ऋतु, SWO डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टर अल्मोड़ा एंड प्रभारी बागेश्वर। और आज हम लोग हैं चंतोला ग्राम सभा में, जहां मैच का आयोजन, क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था। और इसमें विजेता टीम चंतोला रही और उप विजेता देवलेत रही। और मैं विजेता टीम को और उप विजेता टीम को बहुत सारी बधाई या शुभकामनाएँ देती हूँ। नरसिंह रोतेला प्रधानाचार्य, ये बड़ी खुशी की बात है कि हमारे शिल्पकार संघ के अध्यक्ष महोदया द्वारा चंतोला ग्राम सभा में क्रिकेट का आयोजन किया गया। बागेश्वर के राजकीय इंटर कॉलेज बाजी रोड में लाखों की लागत से बन रहे नवनिर्मित भवन का क्षेत्रीय विधायक बलवंत सिंह भौर्याल ने कल लोकार्पण किया, जिसके माध्यम से लगभग 300 से अधिक छात्र छात्राओं को लाभान्वित किया जाएगा। वहीं इस मौके पर स्कूल के प्रधानाचार्य समेत सभी जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। राजकीय इंटर कॉलेज बाजी रोड में आज के इस नवनिर्मित भवन के लोकार्पण के अवसर पर मैं पूरे विद्यालय परिवार की ओर से माननीय विधायक जी एवं समस्त उपस्थित सम्मानी जनों का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं और धन्यवाद देता हूं। आज 72वां गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में जो राजकीय इंटर कॉलेज बाजीरोड है, लगभग 1 करोड़ लागत से भवन बना हुआ है, जिसका आज लोकार्पण हुआ है। और अभी इसमें हवन यज्ञ भी होगा। बागेश्वर के कपकोट में कल नाबालिग बच्चे की हत्या का मामला सामने आया था। वहीं इस मामले का संज्ञान लेते हुए पुलिस अधीक्षक अमित श्रीवास्तव के निर्देशन पर थाना अध्यक्ष कपकोट की टीम ने आरोपियों को 24 घंटे के अंदर सूपी से गिरफ्तार कर लिया। वहीं जानकारी के मुताबिक पुलिस स्टेशन में क्रिकेट बैट से सर पर चोट मारकर हत्या करने का मामला दर्ज कराया गया। थाना कपकोट में जो है सूपी गांव था, वहां से हमें सूचना मिली पुलिस को, थाना पुलिस को, कि वहां पर एक बच्चे को किसी व्यक्ति ने मार दिया है, जिससे लास्ट में उसको इलाज के लिए ले जाते वक्त उसकी मृत्यु हो गई है। इस सूचना पे हमारे तत्काल जो SO थे कपकोट के, वो मौके पे गए और वहाँ उन्होंने जानकारी करी। तो इसमें जानकारी में आया कि एक बच्चा था लगभग 8-9 साल का, उसके ही चचेरे भाई ने उसको जो है बैट से उसके सर पे मार करके उसकी हत्या कर दी है। और इस प्रकरण में जो अभियुक्त है उसको हमने हिरासत में ले लिया है। बागेश्वर में आज मंडल सेरा के नगरवासी आवारा पशुओं से निजात दिलाने की मांग को लेकर नगरपालिका पहुंचे, जहां उन्होंने नगरपालिका को ज्ञापन सौंपकर जल्द से जल्द आवारा जानवरों से निजात दिलाने की बात कही। वहीं इस मौके पर महिलाओं ने बताया कि आए दिन आवारा जानवर खेतों के नुकसान के साथ साथ जन हानि भी पहुँचा रहे हैं। अभी यहाँ पर हमारे मंडल सेरा निवासियों द्वारा जो यहाँ पर एक ज्ञापन दिया है,
क्योंकि इस समय हमारे अधिशासी अधिकारी महोदय ऊपर जिला कार्यालय में बैठक में है। यहाँ पर यह ज्ञापन मुझको दिया गया है। अध्यक्ष माननीय अध्यक्ष महोदय भी इस वक्त यहाँ पर नहीं है। किस क्षेत्र में है आवारा जानवर आते हैं? मंडल सिरा भरतपुर। क्या हो रहा, क्या नुकसान कर रहे हैं? खेतों में आ रहे हैं वो आवारा जानवर, गेहूं है वो खेत, सारे खेत खाली कर दिए, नष्ट कर दिए। आज हम मंडल सिरे में जो हमारे आवारा जानवर हैं इनसे निजात दिलाने के उसमें आए हुए हैं नगर पालिका में। आज यहाँ यो साहब और अध्यक्ष जी नहीं है, हमने नगर पालिका के बड़े बाबूजी को दिया है। आए थे हमको नगर पालिका से कि हमको जल्दी से जल्दी गाड़ी दिला दें और जल्दी आवारा जानवरों का वो कर रहे हैं यहाँ से। बागेश्वर में आज जिलाधिकारी विनीत कुमार के निर्देशन में जिले के बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने की पहल की, जिसमें मुख्य विकास अधिकारी डीडी पंत की अध्यक्षता में विकास भवन सभागार में जिला स्तरीय टास्क फोर्स कमेटी ने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का साक्षात्कार लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत 63 लोगों का विभिन्न व्यवसायों के लिए 2,15,00,000 का ऋण स्वीकृत किया गया। वहीं मुख्य विकास अधिकारी ने जिले में अन्य बेरोजगार युवाओं को भी स्वरोजगार से जोड़ने की अपील की है। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत हमारे जनपद में अभी तक हमने 426 लोगों के आवेदन पत्र बैंकों को भेज दिए हैं और 167 लोगों के हमारे लोन के पात्र पत्र बैंकों ने सैंक्शन कर दिए हैं, जिसमें से 110 लोगों को पहली किस्त भी मिल गई है और वो लोग अपना स्वरोजगार का काम शुरू कर रहे हैं। आज हमने 70 लोगों को आज हमने इंटरव्यू के लिए यहाँ पर बुलाया है और विशेष रूप से इसमें हम देख रहे हैं कि पशुपालन से संबंधित लोगों का रुझान अधिक है, जिसमें डेयरी का काम है, पोल्ट्री का काम है, बकरी पालन का काम है, इस ओर लोगों का रुझान ज़्यादा है और समिति के द्वारा इस बात का परीक्षण किया जा रहा है कि क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थिति के अनुरूप और उनकी क्या इंटरेस्ट है, उनका क्या पुराना बैकग्राउंड क्या है, उनका अनुभव क्या है, उनका इंटरेस्ट क्या है। बागेश्वर में आज एक महिला की गुमशुदगी का मामला सामने आया है। वहीं आपको बता दें कि कांडा थाना निवासी चिंतन राम की पत्नी उसे बिना बताए घर से कहीं चली गई, जिसके बाद कमेड़ी देवी पुलिस चौकी में महिला की गुमशुदगी की सूचना दी गई, जिसके बाद निरीक्षक पान सिंह ने पुलिस टीम का गठन कर महिला को सकुशल बरामद कर उसके परिजनों को सौंप दिया है। बागेश्वर से जोलकांडा मोटर मार्ग में डामर उखड़ने से सड़क में भारी भरकम गड्ढे बन गए हैं, जिसके कारण दोपहिया वाहन चलाने वाले आए दिन चोटिल हो रहे हैं। वहीं इस मामले में ग्रामीणों ने बताया कि सड़क की मरम्मत और डामरीकरण के लिए विभाग को सूचित किया गया, लेकिन विभाग की ओर से इस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। साथ ही सड़क के क्षतिग्रस्त होने से जोलकांडा के अलावा लेटी, बुमडाना, शीशाखानी, छनापानी जैसे गांव की 3,000 से अधिक जनता प्रभावित हो रही है। बागेश्वर बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, तब तक के लिए बने रहिए न्यूज 31 उत्तराखंड के साथ। नमस्कार।